ये है लापता एसएमपी का एंड वर्ल्ड। आज है इसमें एंड वॉर। जो इस ड्रैगन को मारेगा वो इसके एग से एक प्लेयर को रिवाइव कर सकता है। सोचो इस एग को देने वाली एंडर ड्रैगन को ही मैंने गायब कर दिया तो एग किसी को मिलेगा ही नहीं। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि मुझे ड्रैगन को गायब करने की क्या जरूरत है, मैं भी तो वहाँ पर जाकर लड़कर उस एग को पाने की कोशिश तो कर सकता हूँ। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि पूरी एसएमपी में मेरे से ज्यादा पावरफुल बहुत सारे प्लेयर हैं, तो मेरे ड्रैगन के एग को लेने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए मैं ड्रैगन को सोच रहा हूँ गायब ही कर देता हूँ, किसी को ड्रैगन एग मिलेगा ही नहीं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सभी लोगों को लगे कि एंडर ड्रैगन एंड में है तो सारे लोग एंड में आएंगे और उन लोगों को वहां पर एंड में एंडर ड्रैगन दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब है एंड पोर्टल एक्टिवेट नहीं होगा, तो उन सब लोगों को अपना अपना एक हर्ट और प्लस पूरा का पूरा सामान गवाना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल प्लेयर है जिसके पास एक्स्ट्रा आर्मर तक है और यहाँ पर मेरा एक आर्मर पूरा नहीं है। और ये प्लान मेरे अपोनेंट स्टीवी का है, तो मुझे पूरे टाइम भाई सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, पता चले वही मुझे मार दे। और मेरे पास अभी पूरा आर्मर नेदरराइट का नहीं है तो उसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। इस प्लान को सक्सेस करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम और प्लस मेहनत लगेगी, इसीलिए ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक M7K लाइक का है और सब्सक्राइब को भी क्यों छोड़ना उसे भी कर ही देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पर मेरे को विलेज मिल चुका है काफी ज्यादा मेहनत के बाद और रात भी हो चुकी है, भाई मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा। अभी आप लोग सोचेंगे मेरे पास ये सामान क्यों, क्योंकि लास्ट एपिसोड मेरे को आरटी भाई ने मार दिया था, तो मेरे पास ये सारा सामान कैसे और मेरे पास 8 दिल कैसे हैं। अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बट या फाइनल मेरे को विलेज तो मिल चुका है और मैं विलेज नहीं ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था लस्क केव ताकि मेरे को मिल सके वहां से क्ले और मैं क्ले को बेच के एमरल्ड कमा सकूं। बट मेरे को क्ले लस्क केव तो पता नहीं, बट ये विलेज जरूर मिला। मेरे को विलेजेस की भी सख्त जरूरत थी और मेरे को थोड़ा दूर भी जाना था, तो ये काफी दूर भी है, तो यहाँ मैं इस विलेज में रहने वाला हूँ अभी। तो फिलहाल तो मेरे को चाहिए लस्क केव, तो देखते यहाँ पे नीचे लस्क केव है कि नहीं। यहाँ पर एक गड्ढा है भाई, मेरे को यहीं से जाना चाहिए सबसे पहले, मैंने देखा था अभी तो। ओके एक सेकंड ओके, मेरे को लस्क केव तो इजीली मिल चुकी है और यहाँ पर एक डायमंड, 2 डायमंड है मेरे को। ओपी 2 डायमंड मिल चुके हैं गाइस। यहाँ से सबसे पहले बहुत सारी क्ले ताकि मैं इस क्ले को बेच कर बहुत ज्यादा अंबानी बन सकूं। क्ले जमा करता हूँ और फिर मैं ऊपर जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ किसको बेचना है। इसको बना दिया स्टोन कटर और इससे भी करते हैं एमरल्ड, बहुत सारे लेते हैं, इतने सारे लोग बस इतने एमरल्ड। मैं तनु छडंगा नहीं चिमकांडी भाई, स्कैम कर दिया इसने, बस मेरे को 16 एमरल्ड दिया यार। लाल मेरे को लगा बहुत सारे देगा। एक सेकंड ना, मैं एक काम और कर सकता हूँ इसमें, मैं और भी 3 ग्राइंडस्टोन और बनाता हूँ और उस सबको बेचता हूँ भाई, एक इधर और एक इधर। 2 लोगों ने जॉब ले लिया और इनसे लेते हैं बहुत सारे एमरल्ड। और ये पता नहीं क्यों चिमकांडी बस 16 ही देते हैं, पर ये थोड़ी टाइम बाद रिफ्रेश कर देंगे तो अच्छी बात है। तो इधर इतने सारे विलेजर सबको मैं यही करता हूँ, किसी को फ्लेचर बनाता हूँ, किसी को कुछ, तो मस्त एकदम पैसा खाऊंगा इनसे। तो इस एमरल्ड का जुगाड़ तो हो चुका था, अभी मेरे को बनाने थे कुछ बुक्स वाले विलेजर। तो मेरे को फाइनली कुछ अच्छी बुक्स मिलती है, मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरे को मिल चुका है शार्पनेस 4 का विलेजर, फाइनली मेरे सॉर्ड पर शार्पनेस 4 है, तो शार्पनेस 4 और शार्पनेस 4 शार्पनेस 5 बन जाएगा। सॉरी भाई मजाक कर रहा था यार, अच्छा से एंजॉयमेंट देना भाई। अनब्रेकिंग 3 लेट्स गो। और अभी बारी थी एक नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट करने की। मेरे पास अभी फुल नेदरराइट आर्मर नहीं है, मेरे पास चड्डी बाकी है अभी और मेरे टूल्स भी बाकी हैं, तो फटाफट से नेदर में जाता हूँ और बहुत सारे एंशिएंट डेविल्स माइन करके ले आता हूं। तो गाइस मेरे को फाइनली नेदरराइट मिल चुका भाई, काफी ज्यादा टाइम मिला मेरे को, एंशिएंट डेविल्स 24 माइन करे मैंने। तो इसे फटाफट से फर्नेस में लगाते हैं और लोगों को दिखलाते हैं हमारा नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट होगा। पर कोई भी है ही नहीं भाई सर्वर में यार, कैसे कैसे लोग ऐसे टाइम पे होते ही नहीं है। और अब बनाते हैं अपना प्रोटेक्शन 4 का नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट और डन। तो वैसे भी पिकेक्स बाकी है तो इसे भी नेदरराइट का कर लेते हैं। और गाइस जो बाकी के बच्चे हुए नेदरराइट के इंगट है इसे हमें देना है पीएचडी भाई को, तो अभी पीएचडी भाई सर्वर में तो नहीं है, तो बाद को एक सेकंड भाई ये सब कब आए आरटी और निज गेम भाई, कब ज्वाइन कर जाते पता ही नहीं लगता। मेरा नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट हो चुका था और अभी बारी थी ड्रैगन को गायब करने की। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मेरे पास स्लाइम नहीं था भाई, उसके लिए स्लाइम चाहिए, एक मशीन बनानी पड़ती है। तो स्लाइम के लिए मेरे को एक स्वाम बायोम ढूंढनी पड़ेगी, उसे ढूंढने के लिए मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ, पूरे ओसीन चलता जाता हूँ। मैं सोचता हूँ ओसीन के किनारे कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। ओशन में जाते जाते मुझे काफी सारी सिप्रेक्स प्लस ओशन मोन्यूमेंट्स मिलते हैं। मैं सिप्रेक्स लूटता बट सिप्रेक्स में मुझे इतनी अच्छी खासी लूट नहीं मिलती है, ओशन मोन्यूमेंट्स में लूट ही नहीं सकता था क्योंकि वहाँ माइनिंग फटीग लग जाता है। तो इसमें -10,000 में पहुंच चुका, पर मुझे स्वाम तो नहीं पर जंगल वाइम में एक जंगल टेम्पल जरूर मिला है। तो यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ और देखते हैं हमको कोई डायमंड वगैरह मिलते हैं कि नहीं। और लेट्स गो 3 डायमंड्स भाई, 3 डायमंड्स ओपी, और आयरन भी ले लेते हैं। और यहाँ पर एक और चेस्ट होती है ना, एक सेकंड यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा उनको, अरे छोड़ इसको कौन खोलेगा, सीधे ऊपर से तोड़ के निकालता हूँ ना मैं। तो इधर भी है और इस चेस्ट में कुछ अच्छा नहीं है यार, बस 4 आयरन के इंगट। ओके मेरे को पिस्टन की भी जरूरत थी, तो लेट्स गो पिस्टन का काम तो यहाँ से हो चुका है, मेरे को 2 ही पिस्टन लगेंगी और यहाँ पर 3 मिल चुके हैं ओपी। और अभी स्वाम बायोम ढूंढने का काम चालू रखते हैं और फाइनली मेरे को स्वाम बायोम मिल जाती है और वहां से फटाफट से स्लाइम को मारता हूँ। और स्लाइम कलेक्ट करने के बाद हम लोग सीधे चले आते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। आई ऑफ एंडर फेंकने के बाद सीधे हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में, और स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचते ही आई ऑफ एंडर लगाता हूँ मैं, और सारे आई ऑफ एंडर लगाने के बाद एक आई ऑफ एंडर की कमी पड़ती है, तो उसके लिए मेरे को नेदर पोर्टल बनाना पड़ता है ताकि नेदर में से मैं एक एंडर पल निकाल
निकाल सकूं। और भाई लिटरली मैं नेदर में इतनी ज्यादा ट्रेवल कर लेता हूँ, इतना ज्यादा ट्रेवल कर लेता हूँ, यहाँ पर फोर्ट्रेस तक होता है, पूरा फोर्ट्रेस छान डालता हूँ मैं, और इधर पूरे में जितना भी एरिया होता है पूरा छानता हूँ मैं, कहीं भी मेरे को एक एंड्रपल नहीं मिलता भाई, एक एंड्रपल नहीं मिलता। एसटीवी ओवरवर्ल्ड में फाइंड कर रहा था और मैं नेदर में, एंड्रपल बहुत ज्यादा फाइंड करने के बाद एसटीवी को मिल जाती है और एसटीवी ऐसे रिएक्ट करता है भाई देखो। अरे मिल गया लेफ्ट में एंड्रपल, मिल गया एंड्रपल। एक पल मिलते ही स्टीवी एक पल को लगाता है एंड पोर्टल फ्रेम में, और एंड पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, और तभी हम दोनों सीधे एंड में कूदते हैं। एंड में आते सबसे पहले भाई मैं एंडर पल डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे स्टीवी पे कोई भरोसा नहीं था, पता चले को गिराया था, और सीधे एंडर पल डालते ही मैं आईलैंड पे आ जाता हूँ। यहाँ पर ड्रैगन को गायब करने के लिए मैं कुछ नहीं करना, साइड में बेड रॉक के एक ब्लॉक लगा रहे और उसके ऊपर चलते जाना चलते जाना चलते जाना है। हमें पहुंचना है पूरा हाइट लिमिट पे, यानी 255 पे, क्योंकि एंड का भी अपडेट नहीं आया था, वो 255 उसकी हाइट लिमिट। और व्हाट, अबे यार ये ड्रैगन मेरे को परेशान करेगा पक्का, वो तो बड़ा भाई वाटर वगैरह में बहुत ज्यादा प्रूव। अच्छा तो फाइनली मैं हाइट लिमिट पर पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पर वाटर एक ब्लॉक माइन करके यहाँ पर वाटर प्लेस कर देना है, और बस नीचे चले आना है हमको। तो गाइस वापस से नीचे गलत चला गया था, हमें वापस से ऊपर आना है और इस जगह के साइड में ब्लॉक प्लेस करते जाना, और ये पानी नहीं फैलना था भाई, ये गलत है। सबसे पहले इस पानी को बंद करता हूँ मैं, इधर एक लगाया ब्लॉक और अभी साइड से बंद हो जाए, इधर से भी ओके। तो यहाँ से ब्लॉक तोड़ देता हूँ, यहाँ पर और ब्लॉक नहीं होने चाहिए। ओके गाइस साइड से ड्रैगन पर्च कर रहा है, और उसे पर्च करते करते ऊपर तक आना है, तो मैं पूरा मशीन बनाने की तैयारी करता हूँ। जब तक हमें चाहिए कि 4 स्लाइम के ब्लॉक ऐसे करके लगाता हूँ मैं, इधर से तोड़ देता हूँ, मेरे पास 12 आते 4 ही लगाने वैसे तो। और यहाँ पे लगाने मेरे को एक पिस्टन, और इधर भी एक लगानी है पिस्टन, और इधर लगाना है मेरे को एक ऑब्जर्वर, और इधर भी लगाना है मेरे को एक ऑब्जर्वर, और हमारी मशीन एकदम बनकर रेडी है, बस हमें एक ब्लॉक प्लेस कर। अभी नहीं 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 बचकी 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 भाई, गलत जगह चली गई थी भाई, मेरे को इस तरफ भेजना था, उस वाले ऑब्जर्वर पे मेरे को मशीन पे वो लगाना पड़ेगा। मशीन रेडी है, ये लगा मेरे ऑब्जर्वर, और बस इधर लगाने मेरे को ये, और लेट्स गो, ड्रैगन जा रहा है, आई होप से गायब वो। अबे नहीं भाई मशीन तोड़ दी, व्हाट मशीन कैसे टूट गई भाई, अरे शिट वहां पर एंड स्टोन टूटा ही नहीं यार। तो वैसे वाले एंड स्टोन को तोड़ने के लिए यहाँ पर आ चुका भाई, पर पता नहीं टूटेगा कि नहीं, मेरे को ड्रैगन उछालना दे बस। अबे नहीं नहीं भाई नहीं 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 नहीं, ओ शिट खत्म Easy. अच्छा उसके बाद यहाँ पर गाइस मैं काफी ज्यादा ट्राई करता हूँ, बट ये यहाँ पर पॉसिबल था ही नहीं, पता नहीं क्यों, मतलब हो ही नहीं रहा था, यहाँ पे ऐसा लग रहा था पॉसिबल टाइप है, बट मैं इस चीज को दूसरे वर्ल्ड में ट्राई करता हूँ, तो वहाँ पर फटाफट से आता है, मैं आप लोगों को करके दिखलाता हूँ। तो गाइस मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ अभी, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ ड्रैगन को गायब कैसे करना है। मतलब वो एक्चुअली गायब नहीं होता, वो बहुत ज्यादा दूर टेलीपोर्ट हो जाता है एक तरीके से एक ग्लिच के कारण, तो वो यहाँ पर वापस कभी नहीं आ पाता, तो बस उसका हेल्थ बार तो दिखता है पर वो यहाँ पर रहता नहीं है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से ब्लॉक को फिल कर देता हूँ, और यहाँ लगाता हूँ कॉबल स्टोन, डन। तो यहाँ पर मेरे को डालना पड़ेगा एक वाटर की बाल्टी, और फटाफट से इधर लगाता हूँ और ये डाल दी मैंने पानी, और ये ड्रैगन पर्च करेगा, इसे ऊपर आना है और बस यहाँ पर सिंपली अटक जाएगा, तो इसे ऊपर आने का इंतजार करते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं ड्रैगन पर्च कर करके वहाँ पर अटक चुका है, और मैंने बनाई है 3 फ्लाइंग मशीन, बस इसमें से एक ही काम करती है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप 3 बनाना चाहते हो 3 भी बना सकते हो, और इसमें से चलाते हैं और एक ही काम करेगी, देखना 2 तो चलती नहीं है, एक चलेगी चलती हुई तो रुक जाती है वो, और ये पहली वाली मशीन जाती है, और इसको देखना कितनी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट कर देगी। ये देखो गाइस वो बहुत ज्यादा दूर जा चुका है, यहाँ से वो सीधे सीधे जाता रहेगा और सीधा गायब हो जाएगा, तो उससे मेरा क्या फायदा। तो अभी तो यहाँ पर ड्रैगन गायब नहीं हो रहा है, तो मैंने एक दूसरा प्लान बनाया था कि जैसे कोई बंदा एंड में आएगा मैं उसके ऊपर माइनक्राफ्ट में TNT गिरा दूंगा, तो वो सीधा मर जाएगा भाई एंड में आते ही। बट प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास आयरन नहीं था, तो थोड़ा सा स्टीवी के पास आयरन होता तो वो मेरे को दे देता है, स्टीवी आयरन आयरन साथ ही है भाई, और तो ना इससे कुछ नहीं होगा भाई, ड्रैगन गायब का तो प्लान काम नहीं करा, बट यहाँ मेरे को स्पॉन जल्दी से जल्दी ढूंढना है, और वहाँ पर माइनक्राफ्ट में TNT वाला काम कराना है भाई, जैसे हम ज्वाइन करेंगे मैं ऊपर से माइनक्राफ्ट और TNT फोड़ दूंगा, लेट्स गो मिल गया मेरे को। ओके तो गाइस यहाँ पर वह करने वाला बहुत ज्यादा ऑक्सीजन माइन, और उसके जो प्लेटफॉर्म है उसके चारों तरफ में ऊपर तक बाउंड्री कर दूंगा 5-5 ब्लॉक की, जिससे वो लोग निकल ही नहीं पाएंगे जल्दी से जल्दी साइड में, तो मैं वहाँ फोड़ूंगा TNT और माइनक्राफ्ट में TNT। तो यहाँ पर मेरे पास गाइस ज्यादा आयरन तो नहीं है, बट मैं एक माइनक्राफ्ट में TNT जरूर बना सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ फटाफट से लगाने, ओके डन। और मेरे को 2 TNT साइड साइड पे लगा देनी चाहिए, जैसे वो आएगा भाई जला दूंगा मैं, डन। तो गाइस यहाँ पर नीचे एंड में आ चुके, तो जैसे वो TNT विद माइनक्राफ्ट में नीचे खोलता हूँ, उतने में नीचे यहाँ पर ब्लॉक लगा लेते हैं, और होता क्या है कि यहाँ पर नीचे गेमर के ऊपर वो TNT विद माइनक्राफ्ट नहीं करता, यहाँ पर सेनपाई भी साथ में आते हैं और सेनपाई के ऊपर वो TNT विद माइनक्राफ्ट करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको मारना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर सीधा फिर सेनपाई मेरे को मारना स्टार्ट करते हैं, वो सीधे एंडरपल डालता हूँ और वॉइड में गिर जाता हूँ, वो तो फड़िया वहाँ बच जाता है, एंडरपल मेरे से पहले लैंड पर लैंड कर जाती है, और सेनपाई बस मेरे ही पीछे लगे जा रहे थे। तो मेरे पास एक ही चीज थी कि मैंने एंड की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि मेरे को सिर्फ ड्रैगन गायब करना था, जो कि यहाँ पर काम नहीं की, तो मैं एक पिलर के अंदर शांति से छुप जाता हूँ और मेरा एंड वॉर यहीं पे खत्म। शाबाश। और गाइस मेरे पास जो आर्मर और मेरा दिल जो मेरे को वापस मिला था, ये हमारा एक प्लान था मेरा और RTO का।
और आरटीओ को लगता है कि ये चीज फेयर नहीं है कि आरटीओ सेनपाई और लैपिस एक टीम में और निजगर को एक साथ मारने वाले हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं निजगर की टीम में और वहां जाकर वो मेरा पूरा का पूरा प्लान बता देते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पर छुपना पड़ा था भाई। और उधर से निजगर क्या करते हैं कि सेनपाई को अपनी टीम में कर लेते हैं और आरटीओ खुद से उनकी टीम में चला जाता है, मतलब कि जो मेरे साथ थे वो दोनों लोग उनके साथ चला जाते हैं और मैं बचता हूं अकेले। और जो मेरा पूरा का पूरा प्लान था पूरा खराब हो चुका था, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था। तो आज की वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना, वीडियो को 7K का लाइक है तो प्लीज कंप्लीट करा देना। बाय।